बाय। अरे हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है। Hey guys, welcome back to the channel। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और 1:30 बजे हमारी क्लास अटेंड हुई और अभी हम घर का काम कर रहे थे और अब मैं नहा कर रेडी हो चुका हूँ और अब हमें ट्यूशन जाना। सारा दिन बेकार गया क्योंकि वैसे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जो किया सारा कुछ नहीं था जब हम खेलने के तभी ब्लॉग बनाऊँगा। तो बचने में क्या मुझे जाने के बारे में गाइस, ट्यूशन जाने से पहले हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। हम वही कंटीन से जो मैंने सबसे पहले ब्लॉग में दिखाई थी सही हम कुछ खाने के लिए लेने जा रहे हैं। और अब मैं रास्ते में और कंटीन आने वाली है और हैरी मेरे से पहले निकल गया क्योंकि हमें भूख बहुत लगी और हमें ट्यूशन भी जल्दी जाना है। इसलिए हमने जाना है ट्यूशन 4:45 जाना है जो कि 4:45 पर जाना है। और अब मैं पहुँच गया हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ हम की कैमरा बदल कर दिखाता हूँ। अफसोस मैं मुझसे दिखाया नहीं गया क्योंकि हैज ने जल्दी जल्दी चीज़ लेकर ये चीज़ कह रहा हूँ मीन्स की खाने के लिए लेकर ये आ गया। और हम जो लिए हैं हैरी क्या लिया है जो दो चिप्स के पैकेट लिए हैं और एक भुजिया का पैकेट लिया जो कि मॉम ने खाना है। हम तो चिप्स ही खाएँगे और मिलता हूँ आपको ट्यूशन के आने के बाद। अब पक्का ट्यूशन के आने के बाद ही मिलूँगा। गाइस हम ट्यूशन से आ गए हैं और मैं सीधे बाहर खेलने आ गया हूँ और हैरी अब घर पर फ़ोन चला रहा है जो कि अपनी मूवी पूरी कर रहा है। पता नहीं सुपरमैन बैटमैन कोई एक मूवी देख रहा है। और मेरे साथ है नूर। कहाँ गया ये देखो नूर, ये अब कैमरे के आगे नहीं आ रहा है। हमने अभी सेल्फी ली थी और हम खेलते हैं अभी। इसका अनुराग भी आ रहा है, इसका भाई वो आ रहा है। अब तब हम हाइड एंड सीक खेलेंगे शायद, अगर हैरी बाहर आ गया तो खेलेंगे वरना हम दोनों को तो काफ़ी अच्छे से खेल लेना था वरना हम दोनों को तो अच्छे से मज़ा नहीं आएगा दोनों को खेलने क्योंकि एक ही बंदा होगा एक ही फाइन करने में फिर तो अच्छा नहीं लगता। गाइस नूर ने अभी मुझे डेयर दिया है कि हॉस्पिटल में एक बेड़ी लगी है उस पर एक अच्छा सा बेर या तो तोड़ कर लेकर आना है नहीं तो ज़मीन से उठा कर लेकर आना है पर कोई अच्छा सा बेर क्योंकि वो बेरी अंदर लगी है और थोड़ा सा डरावना भी है। तो मैं जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे बेर उतार कर इसकी तोड़ कर लेकर आता हूँ। तो चलो चलते हैं। मुझे तो यहाँ पे कोई बेर नहीं दिख रहा है और मैंने आपको भी दिखा दिया ना तो कोई नीचे पड़े और ना कोई पेड़ पर लगा पड़ा है। तो मैंने उसको सीधा कह देता हूँ रिजाइन दे देता हूँ कि मुझे कोई एक भी बेर नहीं मिला। और ये मेरे आगे खड़े क्योंकि ये कर रहा था जैसे से कहीं मैं कोई वो स्कैम ना करते हूँ इसके साथ। तो मैं अभी इससे अगला डेयर पूछते हैं। अभी नूर ने मुझे एक और डेयर दे दिया है जो कि जो वो हमारा मेन रोड है वहाँ पर जो भी कोई बंदा जो कि जा रहा है अपने व्हीकल पे उस वैसे से ज़्यादा मोटरसाइकिल पे वो सुनेगा और उसको कहना है भाई वो भी दया के स्टाइल से जैसे तर्क मेहता के उल्टा चश्मा में होता है ना भाई वैसे कहना। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आइज मेरे को कोई अभी दिख नहीं रहा, कोई उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। हमने सारे अपने शिकार मिस कर दिए हैं और अभी वो ट्रैक्टर वाला बंदा आ रहा है पर अफसोस वो उस जाली के अंदर है। उसका ट्रैक्टर शीशा अभी चारों तरफ से बंद है नहीं पर उसने फिर से अपना ट्रैक्टर मोड़ लिया जो कि पेट्रोल पंप पर अपने तेल पकड़ेंगे। और एक मोटरसाइकिल वाला बंदा आ रहा है तो जब वो आ रहा है जब वो आया अभी वो आ रहा है और मैं अभी पॉज नहीं कर सकता क्योंकि कभी वो भी आ सकता है क्योंकि मैं अपनी वीडियो कट नहीं करनी क्योंकि अब मैं बोल भी रहा हूँ बाय। अरे उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो मुझे मेंटल समझ रहे होंगे। अभी हम कोई और शिकार पकड़ेंगे। जब तक कोई बंदा मुझे रिस्पांस नहीं देता ना बाय दोबारा तो तब तक हम कहीं जा रहे हैं। शिकार आ रहा है अब मैं कह रहा हूँ बाय। हाँ इसने भी रिस्पांस नहीं दिया। अब मैं इस बंदे को कहूँगा जो कि है बाय बाय। अरे हमें रिस्पांस मिल चुका है और आपको पता नहीं मुझे कितनी खुशी हो रही है। और
पांच बंदों को क्या कहना है इसने अभी अभी मुझे कहा है। पहले तो मुझे लगा एक बंदे को कहना था, जब कोई और शिकार आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। ओके बाय, एक टाइम के लिए बाय। आगे से लड़का आ रहा है और मैंने उसको कहना है अच्छे से कहूँगा, पर दया वाले स्टाइल में से नहीं कहूँगा क्योंकि उसका पता नहीं मुझे क्या कहें, क्योंकि चलते मोटरसाइकिल पर से बंदा क्रॉस कर जाता है और यहाँ पे कुछ पता नहीं। और ही इज़ कमिंग अक्रॉस टू मी, भाई बाय कर दे बाय, थैंक यू। अरे भाई उसने हमें सच में बाय कर दिया और ये वहाँ पे हमें बुला लिया है और ये हम जा रहे हैं। पर उसने अच्छे, क्योंकि मेरे पाँच पॉइंट्स हो जाएंगे कोई मिस हो पावे कोई जिसने बाय किया हो, पर मेरे पाँच पॉइंट्स हो चुके हैं और वो मुझे दूसरा डेयर देगा। गाइस मैंने आपको पर खेल लगा लिए हैं और मेरा पता नहीं कैसे हो गया कि मैं आपको पर खेल लगाऊं।